शहर के 9 इलाके कोरोना का ठिकाना, मर्ज पर काबू करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का जाल बिछाया जाएगा। वापदा टाउन 51, बेलेंशिया 63, जौहर टाउन ब्लॉक F2 में 24 केसेस रिपोर्ट हुए। डिफेंस फेस 4 सेक्टर FF17 और पैरागॉन सिटी में 23 केसेस सामने आए। पंजाब यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल नंबर 11 से 6 केसेस रिपोर्ट हुए। शहरियों की बे एहतियाती के बायस माजी के लॉकडाउन भी कुछ खास कारगर साबित ना हो सके। पंजाब अरबों रुपए का मकरूज, अवाम को सस्ता आटा फिर भी ना मिला। सुबह गंदम खरीदारी की मद में 600 अरब रुपए के बोझ तले दब गया। आइंदा खरीदारी के लिए मजीद 250 अरब दरकार हैं। महकमे खुराक की वज़ीर-ए-आला को रिपोर्ट। इम्पोर्टेड चीनी मंगवा ली, अब बेचेगा कौन? बारीक चीनी की फरोख्त हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई। रिकवरी के लिए रिटेलर्स बढ़ाने का फैसला। सहूलत बाजारों में इम्पोर्टेड चीनी 81, रिटेल दुकानों पर 84 रुपए फी किलो दस्तियाब। सहूलत बाजारों के आढ़ती भी परेशान, कहते हैं इंतजामिया जबरदस्ती सब्जियों और फल मंगवा रही है, अदायगियां करते नहीं, सप्लाई रोकने की धमकी दे दी। बेरोजगार खसूसी अफराद के लिए खुशखबरी, पंजाब हुकूमत ने मजीद नाबीना अफराद को नौकरियां देने की मंजूरी दे दी। उम्र की हद में मजीद 5 साल की रियायत मिल गई। सरकारी महकमों से सीटों की तफसीलात तलब। LDA का लाहौर में इंटरटेनमेंट पार्क्स के विजन पर काम तेज। जौहर टाउन में 33 करोड़ की लागत से इंटरटेनमेंट पार्क मंसूबे में पेशरफ। तामीर के लिए 8 प्री क्वालिफाइड कंपनीज को रवामा टेंडर जारी करने का फैसला। पार्क में जॉगिंग, साइकिलिंग ट्रैक, बोटिंग के लिए मस्नूई लेक, ओपन जिम, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट बनाया जाएगा। शहर के तरक्याती बदड़ को ब्रेक, सिर्फ 15% खर्च होगा। सरकारी स्कूल की तामीर से लेकर साफ पानी की फराहमी तक के मंसूबे नामुकम्मल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और बहबूद आबादी ने 1/22 शहर पर न लगाई। IT एंड गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन, एमरजेंसी सर्विसेज और माहौलियात भी कुछ ना खर्च कर पाए। अरबों के मंसूबे अधूरे। शहर का शंघाई ब्रिज नाला कूड़े से भर गया। नाले में पानी कम और कूड़ा ज्यादा दिखाई देने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई, अमला सड़कों का कूड़ा उठाकर नाले में फेंकता है, शहरियों का इल्जाम। नाले में गंदगी का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। असातिज़ा का एडजस्टमेंट, सीनियरिटी लिस्ट और अलाउंस अदा करने का मुतालबा। CDGL स्कूल्स के असातिज़ा का सेक्रेटरी एजुकेशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज, रोड ब्लॉक करके नारेबाजी। दादागिरी नहीं चलेगी, बिजली इस्तेमाल की है तो बिल भी दो। लेस्को ने थाना नौलखा को 1.4 करोड़ का बिल भेज दिया। मौजूदा बिल 29 लाख, साबिका 74 लाख रुपए भी शामिल। अदम अदायगी पर जुर्माना भुगतना होगा। थाना नौलखा ने आला हुकाम को सूरत हाल से आगाह कर दिया। कमाई लाखों में और टैक्स सिर्फ क्यों जनाब? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने DHA के प्रॉपर्टी डीलर्स की छानबीन शुरू कर दी। 200 से ज्यादा अफराद को नोटिस, रजिस्ट्रेशन के लिए 15 रोज की मोहलत। जहां चाहे कब्जा जमा लो, अब ऐसा नहीं चलेगा। महकमा एंटी करप्शन के एक्शन पर LDA का रिएक्शन। डिफेंस रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हथौड़ा चल गया। क्रेनों की भी तबाही, मुतद्दद को सरबोमोहर कर दिया गया। गैर कानूनी तामीरात कराने वाले खुफिया हाथ एक बार फिर बच निकले। दूध रब कानून, पंजाब फूड अथॉरिटी का कौम की रगों में जहर उतारने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन। 30,300 लीटर मुजरे सहर दूध तलब कर दिया गया। डीजी इरफान मेमन के मुताबिक ठोकर न्याज बेग और मांगा मंडी में गाड़ियों की चेकिंग की गई। सोलर वर्क और साफ पानी मंसूबों में करप्शन का केस। नैब ने शहबाज शरीफ की साहिबजाद राबिया और दामाद इमरान यूसुफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। मेडिकल कॉलेजेस में लावारिस लाशों पर तजुर्बा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर नदील आवान अदालत पेश। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। ऐसे तजुर्बात से मैयतों की बेहुर्मती होती है, दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को ऑडिट के लिए सिलेक्ट करने से मुतल्लिक केस। जस्टिस शाहिद वहीद ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी।
जबकि इत्तेफाक कश्मीर शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ के कजन बैंकिंग कोर्ट पेश न हुए। अदालत ने नवाज शरीफ के कजन जावेद शफी, तारिक शफी, इमरान शफी, जाहिद शफी और शाहिद शफी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। FIA को मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 21 नवंबर को पेश करने का हुक्म। हाई कोर्ट में कतर के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर समाप्त। जमानत खारिज होने पर मुल्जिम की अदालत के बाहर से फरार होने की कोशिश नाकाम। पकड़ने की कोशिश में मुदई और मुल्जिम के दरमियान हाथापाई। हाई कोर्ट की सिक्योरिटी ने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, कशमकश जारी। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन को वाज़ह जवाब देने से गुरेजा, जबकि महकमे बल्दियात पर इलेक्शन कमीशन का दबाव। महकमे बल्दियात ने पंजाब हुकूमत से कशमकश खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। वजीर आजम को शिकायत कौन लगाता है, पल पल की खबरें कौन पहुंचाता है। वजीर आला पंजाब ने खुफिया हाथ ट्रेस कर लिए। काबीना इजलास में वुजरा की सरजनिश भी इसी सिलसिले की एक कड़ी निकली। नाकिस कारकर्दगी भी वजह थी, इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आला पंजाब से सदर ऑल पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स एसोसिएशन की मुलाकात। मीर बहरोस बलोच की क्यादत में वफ्त मिला। उस्मान बुलसार ने कहा सूबे में माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को फरोग देंगे। ईंटों के भट्टों के लिए जिगजैग टेक्नोलॉजी के साथ तबादल ऑप्शंस का भी जायजा ले रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से उलमा के वफ़द की मुलाकात। हफ्ताए शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाने सीरत कुरान अकेडमी बनाने के हवाले से गुफ्तगू। परवेज इलाही ने बताया तहफ्फुज़ इस्लाम बिल गवर्नर को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पार्टी जितना टारगेट देगी उतने कारकुन मीनार पाकिस्तान लाएंगे। मीटिंग्स करवाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अराकीन असम्बली रहनुमाओं का राबिता कमेटी की मीटिंग्स अपने हलकों में करवाने से इनकार। जलसे जुलूस करना हर किसी का हक है, हुकूमत के रोकने पर नहीं रुकेंगे। नून लीगी रहनुमाओं का हर सूरत लाहौर में जलसा करने का ऐलान। नून लीग मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा इजलास में जलसे के लाए अमल पर गौर। साबिक स्पीकर अयाज सादिक, सारा अफजल तारड़, अताउल्ला तारड़, सैफुल मुल्क खोकर समेत दीगर इजलास में शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक की जेर सदारत इजलास। प्राइस कंट्रोल इकदाम का जायजा लिया गया। रवा माह गिरा फरोशी पर 465 अफराद गिरफ्तार, 451 मुकदमा दर्ज हुए। ओवर चार्जिंग पर 2 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। इजलास में ब्रीफिंग, चीफ सेक्रेटरी का मुनाफा खोरों से आहनी हाथों से निमटने का हुक्म। केन कमिश्नर से काश्तकारों को अदायगियों से मुतालिक रिपोर्ट तलब। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक के हंगामी दौरे। सहूलियात बाजारों में इंतजाम, स्कूल्स में कोरोना SOPs का जायजा। महंगाई की रोकथाम के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास की सदारत की। शहर में क्रैकडाउन और चालानों का बताया गया। हफ्ताए शान रहमतुल आलमीन का तीसरा रोज डिप्टी कमिश्नर लाहौर ऑफिस में महफिल मिलाद का एहतमाम। सना खानों ने बारगाह रसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। पीर उस्मान आरिफ ने मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ कराई। गुस्साखाना खाकों के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज। ट्रेन यूनियन की जानिब से रेलवे हेडक्वार्टर में एहतजाजी मुजाहरा। फ्रांसीसी हुकूमत और सदर के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज में रेलवे मुलाजमीन की कसीर तादाद शरीक हुई। फैमिली प्लानिंग एडवाइजर अक्वामे मुत्तहिदा डॉक्टर जलमा इरास के वफ की सेफ सिटी आमद। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने ब्रीफिंग दी। वफ को सेफ सिटीज मंसूबे की अफादियत, पुलिस डिस्पैच और वुमेन सेफ्टी ऐप की वर्किंग बारे आगाह किया गया। वफ ने वुमेन सेफ्टी ऐप में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने इंग्लिश टीम के दौरा लाहौर की खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं उनका पाकिस्तान आने के बाद पहला मकसद ये था कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान लाए। वीडियो पैगाम में यूके पाक दोस्त जिंदाबाद का नारा लगाया। पंजाब बार इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर। ज़ाब्ता इख़लाक़ पर अमल दरामद के हवाले से उम्मीदवारों का इजलास।
सूबा भर के 400 से जायद उम्मीदवारों की शिरकत। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस बोले, उम्मीदवार जाप्ते इखलाकी पाबंदी यकीनी बनाए, जाप्ते इखलाकी खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाएगा। मजलिस मुबाहिस के तहत कुल पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल तकरीरी मुकाबले यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने फेथ अपने नाम की। इख्तितामी तकरीर में एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस नाजिया साकिब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नून लीगी रहनुमा परवेज मलिक और फौजा इमरान नजीर की आज सालगिरह। राना सनाउल्ला, सरदार अयाज सादिक, राना मुबशर इकबाल और दीगर ने फौजा इमरान नजीर के हमरा मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में केक काटा। लीगी रहनुमाओं को दोस्त अहबाब के मुबारकबाद के पैगामात। और रहमान फाउंडेशन कॉर्पोरेट वन डे क्रिकेट लीग में मेजबान रहमान फाउंडेशन ने 5 स्टार पॉलीमर को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी।